हमें इंसर्ट करना होता है तो लाइट आ जाती है। तो ये रूम है आपका, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक है। जितने आज हम थाईलैंड के पटाया सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा होटल बुक कराया है जो प्राइस के लिहाज से बहुत कम है और सहूलतें इसकी 4 स्टार जैसी है। स्विमिंग पूल वगैरह, रूम सर्विस और रूम में जो आपको चाहिए होता है वो सब कुछ मौजूद होता है। तो ये होटल का बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है और इस चारों तरफ बिल्डिंग है और ये इसका व्यू है, आप देख सकते हो। ये सामने इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर जाओगे और सामने रिसेप्शन। अभी हम जाएंगे अंदर और आपको टूर कराते हैं कि होटल कैसा है और रूम कैसा है और क्या क्या सहूलतें हमें मिलती है। इसे चलते हैं अंदर। ये सामने स्विमिंग पूल है, आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। ये इस होटल का स्विमिंग पूल, इसमें स्विमिंग करने के बाद आप यहाँ रेस्ट कर सकते हो। अभी जाते हैं रूम चेक करते हैं कि रूम में क्या सहूलतें मिलती है। पूछ रहे ये होटल की स्ट्रीट्स है, आप देख सकते हो कि कैसा होटल है। होटल का रेस्टोरेंट है लेफ्ट। रूम जो है वो 4th फ्लोर पे है, तो हम 4th फ्लोर को क्लिक करेंगे और जाएंगे ऊपर। मस्त बोलिए 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 क्या कुलूश। ये 4th फ्लोर यहाँ पर ये रूम जो है ये भी कार्ड के थ्रू ओपन होता है, लेकिन ये ऐसे आपने स्कैनर पर रखना होता है फिर ये ओपन होता है। ये ओपन हो गए, लाइट जो है वो ऐसे आएगी। इसका जो ब्लैक एरिया होता है ये आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है तो लाइट आ जाती है। तो ये रूम है आपका, वो जैसे रूम में एंटर होते हो आपकी चीज़ें लगी हुई मिलती हैं। ये ऐसी का रिमोट हो गया, साथ में ये टेबल, यहाँ आप कपड़े प्रेस कर सकते हो। साथ में ये ड्रेसिंग टेबल, नीचे छोटा सा फ्रिज जिसमें ये आपको पानी वगैरह रखे होते हैं। और ये 2 सिंगल बेड, ये 2 पर्सन का रूम है तो यहाँ पे आपको 2 सिंगल बेड जो रखे होते हैं उनसे एक बेड बनाया होता है। अपने साइड टेबल पर लैंप्स वगैरह और वो टेलीफोन, यहाँ पर भी साइड टेबल, और ये छोटा सा सोफ़ा है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। ये इसके साथ LCD, एयर कंडीशन, और ये रूम का जो है कलर कॉम्बिनेशन वॉल्स पे, साथ में ये विंडो दी गई है। यहाँ आप बैठ के बाहर का जो है नज़ारा कर सकते हो, व्यू देख सकते हो आप यहाँ से। अभी अंधेरा है और ये बालकनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी बालकनी है, यहाँ से ओपन होती है। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो और दिन में इसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। अभी हम ऑफिस रूम की तरफ आते हैं और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये विंडो बंद कर देंगे। अभी मैं इस रूम का आपको सबसे फनी और अजीब सा जो है वो चीज़ बता रहा हूँ, इसका वॉशरूम।
इसका वॉशरूम आप देख सकते हो, इसमें इन्होंने शॉवर की जगह पे एक छोटा सा स्वेटर लगाया हुआ है। हुका? जब आपने आओगे तो ये स्वेटर आप ऐसे करो ये और ना ग्रास में आप साफ साफ नजर आओगे। बाकी इसके टॉयलेट जो है वो छुपा हुआ है, टॉयलेट में आपने सुना ये हो गया अगर ये छर्टन हटाओगे तो फिर आप नजर आओगे। तो ये सबसे जो है अजीब चीज इसके लिए की है। बाकी अगर आप यहाँ बेड पे लेटे होंगे और कोई ये अंदर होगा तो ये इसको ड्रेसिंग रूम की जरिए भी नजर आ रहा है। तो ये अजीब सी चीज है, मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए था। अभी आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये वॉशरूम है इसका और एरिया इसका और सामने सर्टन आप ऐसे हटाओगे तो सामने रूम है ये देखो। यहाँ पे लेटेंगे क्या अजीब सा व्यू होगा। और ये ऐसे कवर बंद कर, तो ये एक छोटा सा कवर्ड है जिसमें आप अपने बैग्स वगैरह और कपड़े हैंग कर सकते हो। अब इस होटल के प्राइस की बात करें तो ये होटल हमें पर नाइट के हिसाब से $16 के हिसाब से मिले पर नाइट। इसके जो है $16 है, हमने टू नाइट्स के लिए बुक किया था तो $32 का हमें मिला है। बाकी ये रूम अच्छा है, परफेक्ट है। हमने और रूम जो बुक कराए थे वो $100 से ऊपर थे और ये जो है हमें $16 का जो है पर नाइट मिला है। बाकी रूम एकदम परफेक्ट है, इसका एसी टीवी बेड्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल अजीब चीज़ इसने बनाई है। तो ये था बस हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। और बस आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।